बीएसएफ एक विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। जमीन का हर एक इंच जिसको बीएसएफ गार्ड करती है, उस हर इंच पे बीएसएफ की निगाह है। हम दूसरे देश की भी जो जनता है उसको हम जनता ही समझते हैं, उसको हम ये नहीं समझते कि वो हमारे देश में। जब बांग्लादेश आता है ना, तो हमें इस बात का हमेशा गर्व होता है कि मेरे भी देश का कोई जवान था जिसने अपना रक्त दिया था इस बांग्लादेश को। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह, इनकी बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर की सोच बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है, जो कि पिछले लगभग 10-12 सालों से हम उसका फ़र्क ग्राउंड पे देख रहे हैं। इन्होंने सीमा की सुरक्षा को अपग्रेड किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम उस बल का जिक्र करने वाले हैं जिसने गीता के विचार को आत्मसात किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणे वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचना माते कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि, यानी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और यही विचार आत्मसात किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि हमें अपने कर्म पर बल देना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य पर बल देना चाहिए, और यही मोटो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र करने वाले हैं सीमा सुरक्षा बल का, क्योंकि यहाँ पर जो दिखता है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो दिव्य स्वरूप दिखलाता है जो अन्यत्र शायद कहीं देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, 6,500 किलोमीटर जो बॉर्डर बीएसएफ गार्ड कर रही है वो हिंदुस्तान के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, श्री के एफ रुस्तम जी के निर्देशन में इसकी स्थापना की गई थी। बीएसएफ एक फाइटिंग फोर्स है, अपार्ट फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर इट्स अ फाइटिंग फोर्स। जब 1965 की लड़ाई हुई थी, 1962 की लड़ाई हुई थी, 1965 की लड़ाई हुई थी, तो ये देखा गया था कि बॉर्डर पे जितनी भी सीमाएं हैं उन पे प्रदेश की जो पुलिस थी वो रक्षा करती थी। तो जब ये 1965 में लड़ाई हुई तो ये सोचा गया कि सेंट्रल की एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कि देश की सीमाओं की रक्षा कर सके। तब 1 दिसंबर 1965 को श्री के एफ रुस्तम जी के निर्देशन में इस बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तब से यह बल विभिन्न रूप से देश की सुरक्षा में योगदान दे रहा है। Let's go!
परिश्रम करना पड़ता है, न जाने कितने तरीके से गुजरना पड़ता है। युद्ध जैसे हालात यहाँ बनाए जाते हैं, तरीके की जैसे जैसी स्थितियाँ हो सकती है वो तमाम स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं, और तब जाके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैयार होते हैं। एक कठिन साधना है, कठिन गन की आवाज आप सुन रहे हो और यहाँ पर जवान नीचे से कर रहे हैं। ये वो तरीके हैं जब आप युद्ध में अपने आप को बचाते हैं, और इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम अधिकारी अपने जवानों को तैयार करते हैं बड़ी कठिन मेहनत और परिश्रम के साथ। और ऐसे ही शूटिंग रेंज पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। बीएसएफ को जो ट्रेनिंग दी जाती है बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रोबस्टनेस तो है ही, उसके अलावा विभिन्न आंतरिक सुरक्षाओं के ऊपर और बहुत ही फायरिंग की टैक्टिक्स की, मैप रीडिंग की, हर तरह की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ अगर इनको आंतरिक सुरक्षा में लगाया जाता है तो उसके लिए भी ये अपना योगदान दे सकें। अभी जो है रिक्रूट्स हैं उनको जंगल कैंप के फेज से गुजर रहे हैं। जंगल कैंप की ट्रेनिंग के दौरान ही एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है बैटल इनोकुलेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल शांति काल में बॉर्डर पे ड्यूटी करने के अलावा हर वॉर में बाकी एजेंसीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है, तो एक्सरसाइज है। इसमें जवानों को जो नवरक्षक आए हैं, नए रिक्रूट्स आए हैं, उनको युद्ध जैसे हालात पैदा करके उनको एक सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि फ्यूचर में जब भी उनको लड़ाई में भाग लेना पड़े तो उससे भयभीत नहीं हो और माँ भारती की इसी तरह से वो सेवा करते रहे। जिस तरह लड़ाई के हालात में जब हम हमारे जवान आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दुश्मन द्वारा लगाई हुई बाधाएं मिलती हैं, जिसमें गहरी खाई, पानी से भरे हुए खाइयाँ, दूसरे प्रकार के ऑब्स्टिकल्स उनको पार करते हुए, और उसी दौरान उसके अंदर माइन फील्ड वगैरह लगे रहते हैं। उन बाधाओं को पार करते हुए हमारे जवान आगे बढ़ते हैं, और उसी दौरान जब गोलियां चारों तरफ से और कहीं से बमबारी होती है उसके बीच से गुजरकर और उस बाधाओं को पार करके और अपने दुश्मन तक पहुंचकर उसको बर्बाद करना इसका मकसद रहता है। इस वक्त हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दैजर शूटिंग रेंज में मौजूद हैं और यहाँ पर इन कैडेट्स को तैयार किया जा रहा है। ये वो कैडेट्स हैं जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये वो कैडेट्स हैं जो 24/7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे लगातार सीमाओं की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। और वाकई अब जब इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं, जो कुछ हमने यहाँ देखा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, वो आपका सीना चौड़ा कर देगा और वो आपकी धमनियों में रक्त का जो संचार है उसको बढ़ा देगा। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जंगल के एक कैंप में, जहां पर ये तमाम कैडेट रुके हुए हैं और जहां पर इनकी एक रिगरस ट्रेनिंग चल रही है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी और तमाम जवान यहां पर मौजूद हैं और हम भी यहां पर आगे चल के इनसे रूबरू होने जा रहे हैं। दरअसल एक मिनट में ये जो कैडेट्स खड़े हुए हैं, ये एक मिनट में इनको वो महारत हासिल होनी चाहिए कि चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, आपको मैगजीन बदलना है, हो सकता है मैगजीन फंस जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको एक मिनट के अंदर करना है। नीरज जी, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताएं? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। अभी वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये एक हफ्ते के अपने जंगल कैंप के ऊपर, जंगल कैंप के दौरान हमें तीन जो बेसिक सिखलाई है हमारी कि सामान्य हालात जब बॉर्डर पर है, इसके अलावा आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में जो इनको काम करना है, और थोड़ा हम इन्हें युद्धकालीन क्षेत्रों में जो इनका एक्शन होगा वो उसकी हम प्रैक्टिस कराते हैं। आज इनका चौथा दिन है और
अभी ये अपना जो भी इन्होंने अपनी 39 हफ्ते की सिखलाई जो इन्होंने प्राप्त करी है उसका ये आपको एक दुरुस्त नमूना देंगे और वो भी ब्लाइंड फोल्डेड, ताकि युद्ध जैसे हालात में जहाँ पर अंधेरा है या जहाँ पर ये जख्मी है या जहाँ पर चुनौतियाँ विषम है वहाँ पर ये अपनी उस सिखलाई का बढ़िया से इस्तेमाल करते हुए जंग के मैदान में फतेह हासिल करें। पूरा दिन गुजर चुका था बीएसएफ के शूटिंग रेंज में, ट्रेनिंग कैंप में। रात जैसलमेर की तरफ मैं बढ़ चला। और उसके बाद जब दिन हुआ तो हम पहुंचे उन सरहदी इलाकों पर जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अपनी चौकस निगाह से सीमा की सुरक्षा में 24 घंटे 365 दिन लगे रहते हैं। हम पहुंचे जैसलमेर के बॉर्डर आउटपोस्ट पर जहां पर हमने देखा कि कैसे और किन हालातों में हमारे जवान देश की सेवा कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जब हम आपको बता रहे हैं तो वाकई ऐसा महसूस हो रहा है, कहते ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गाथाएं, उसकी कहानियां, उसकी कार्यशैली, बहुत कुछ है बयां करने को लेकर। और हमेशा हमें ऐसा महसूस हो रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद कुछ कम रह जाए। तो चलिए, हम आप ये देख ही सकते हैं हम इस समय ऊंट पर सवारी कर रहे हैं, यानी कि हम अब सीमावर्ती इलाके में आ चुके हैं और हम आपको बताएंगे कैसे कैमल पेट्रोलिंग होती है, कैसे फुट पेट्रोलिंग होती है, कैसे व्हीकल पेट्रोलिंग होती है और क्यों होती है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार दोपहर 3 बजे। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप हमारा चेहरा बहुत कम देख पा रहे होंगे, वजह उसकी साफ है क्योंकि हम यहाँ पीछे बैठे हुए हैं और ऊंट पर सवारी करना वाकई बहुत आसान नहीं होता है। और जब हम पहुंचे सीमा पर तो हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो डॉग पेट्रोलिंग हो, व्हीकल पेट्रोलिंग हो या फिर कैमल पेट्रोलिंग हो, सभी लोगों से मिलने का हमें अवसर प्राप्त हुआ और हम भी सीमा को देखने और समझने के लिए चढ़ गए रेगिस्तान के जहाज पर। समझ गए होंगे आप, यानी कि हमने सवारी की कैमल। फिजिकल पेट्रोलिंग, हमारी सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, हमारे जो एनिमल्स हैं, कैमल पेट्रोलिंग, हॉर्स पेट्रोलिंग, डॉग पेट्रोलिंग,
व्हीकल पेट्रोलिंग, तमाम किस्म के जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है उसके जरिए 24 घंटे 365 दिन हम पूरी सीमा को अपनी निगाह में रखते हैं। ये एक बहुत यूनिक क्वालिटी हमारे लिए, इसमें कोई छुट्टी नहीं है कि 365 दिन में आप एक दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी, एक दिन आपको पूरी सीमा पर नहीं करना, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी देयर ओनली फॉर। इलाका है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग होती रहती है, और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि कई अलग अलग तरह की पेट्रोलिंग है यहाँ पर। अगर आप कैमल पेट्रोलिंग की बात करते हैं वो भी है, व्हीकल पेट्रोलिंग है वो भी है, और डॉग पेट्रोलिंग है ये भी यहाँ पर होती है। और ये अभी जो हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये लगभग 1100 किलोमीटर का एरिया, 1000 से 1100 किलोमीटर का एरिया जिस पर हम लगातार घूम रहे हैं और देख रहे हैं अलग अलग पोस्ट के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। सुरक्षा यहाँ पर जबरदस्त है। हमारे साथ सुरजीत जी मौजूद हैं और वाकई इन लोगों की मेहनत काबिले तारीफ भी है, सराहनीय भी है। सुरजीत जी जरा मुझे बताएं कैसे यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है और किस तरीके से, और अभी ये जो क्या हो रही है यहाँ पे, कौन सी पेट्रोलिंग हो रही है? अभी हो रहा है सर कैमल पेट्रोलिंग। सर जी कैमल पेट्रोलिंग हो रहा है सर। ये सर कैमल का कोई टाइम टेबल नहीं है सर। ये सुबह जैसे हम आते हैं ना सर ओपी, तो सुबह जब हम आते हैं ओपी तब हमारे साथ ही साथ ये कैमल आते हैं जिसमें आपका पूरा फट्टा मारा जाता है। फट्टा मारने से पहले हम पूरा एरिया को सर्च करते हैं। पूरा सर्च करने के बाद इसलिए किया जाता है सर्च कि कोई पैरों का निशान, रात को कोई ऐसे कोई हरकत या कोई इस तरफ से इस तरफ कोई हरकत नहीं हुआ, इसलिए ये सर्च किया जाता है सर। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जो क्रांति आई है, जैसे स्मार्ट फेंसिंग का कॉन्सेप्ट एक आया है जिसमें स्मार्ट फेंसिंग लग रही है। ट्रेडिशनल फेंसिंग थी पहले, उसमें कोई टेक्निकल गैजेट्स का इंटीग्रेशन नहीं था। अभी जो डिजाइन आई है स्मार्ट फेंसिंग हमारी, मेक इन इंडिया अगेन, और जो मेक इन इंडिया भी इतनी सुपीरियर क्वालिटी है कि जिसको कई कंट्रीज इसको मांग रही है, कई कंट्रीज में इसको दिया जा रहा है। तो उसमें एक तो नंबर वन तो ये उसको एंटी कट है, जिसको काटना आसान नहीं है, उसके एंटी क्लाइम है, उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है, और इसके साथ साथ में इसमें गैजेट्स का इंटीग्रेशन है, जो कैमरा है, अलार्म सिस्टम्स हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, तो वो अपने आप में एक स्मार्ट फेंसिंग बनती है। ये जो तमाम जवान हमारे साथ आप देख रहे हैं ये फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, इसके आगे भी और बहुत सारी बातें हैं। चाहे वो आज के युग की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, इन जवानों को डिजिटल युग में उस टेक्नोलॉजी के साथ में प्रशिक्षित किया जा रहा है। BSF और बहुत सारे नए आयाम सृजित कर रहा है जिसके चलते इन जवानों को नए युग में नए तरीके से कैसे प्रशिक्षित किया जाए इसको लेकर लगातार कोर्स वर्क हो रहे हैं, और बहुत सारे काम BSF कर रहा है ताकि हमारी सीमाएं न केवल सुरक्षित रहें बल्कि जागरूक और जागृत भी रहें। BSF हमेशा भविष्य को देखती है, आगे क्या होगा ये एंटिसिपेट करना हमारा नॉर्मल प्रोफेशन भी है और हम उस पर काम भी करते हैं, और हमारे हाईएस्ट लेवल से गृह मंत्रालय से लेकर के हमारी फोर्स के हेड ऑफ द फोर्स से लेकर के हर एक लेवल पे इस चीज़ की समीक्षा होती है। जैसे ड्रोन्स एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स और तमाम किस्म की दूसरे सिस्टम्स हमने इवॉल्व किए जिससे हम उसको डील कर रहे हैं, और उसको हमने काफ़ी हद तक चेक किया है। तो इसी तरीके से भविष्य में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट और बढ़ाना चाहती है जिस पे हम लोग काफ़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। हमारे पास चुनौतियां रोज़ हर तरह से नई आती हैं, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लगातार अपने जितने भी सैनिक हैं उनको हम प्रशिक्षण देते रहते हैं। अभी जो आने वाली चुनौतियाँ हैं उनमें ड्रोन का जो यूज़ हो रहा है
काउंटर पार्ट के द्वारा स्मगलिंग के लिए, हथियारों की स्मगलिंग के लिए, नारकोटिक्स की स्मगलिंग के लिए, वो एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं और हम भी अपने अपने नए उपकरणों के साथ उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनको प्रयासों को विफल कर रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन का ये सबसे ज्वलंत उदाहरण है। हमारे पास इस टाइम 1400 रिक्रूट्स 44 हस्तों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो किस राज्य से आए हैं, किस जाति के हैं, शायद इनको भी नहीं पता होगा अब, क्योंकि अब ये बिल्कुल एक हो चुके हैं। इनमें सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही राष्ट्रीयता है, भारतीय है। ये सब के अंदर तो आपको देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि आप देखिए जब आप सीमा पर खड़े होते हैं और जब आपके सामने जो बॉर्डर पिलर दिखता है और उसके आगे आपको पाकिस्तानी दिखाई देते हैं, पाकिस्तान की पोस्टर दिखाई देती है, उधर बांग्लादेश की पोस्टर दिखाई देती है, तो आप बिल्कुल आई टू आई कॉन्टेक्ट है। तो आपको पता है कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। जो मेरा जवान वहाँ पे खड़ा हुआ है वो कहता है कि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत BSF इसका बेस्ट एग्जांपल है। BSF के अंदर आप कहीं पे भी 15 आदमी खड़े करके देखिए, आप हर स्टेट के लोग होंगे, हर धर्म के लोग होंगे, और हमारे अंदर वो सिर्फ BSF, वी आर ऑल BSF, और हमारे अंदर किसी तरह के कोई डाइवर्शंस नहीं है। और प्रधानमंत्री जी की सोच को मैं हमेशा बहुत दिल से समझता हूँ और लगा आगे बढ़ाता हूँ। मैं भारतीय हूँ और उसी विचार के साथ ये लोग मिलकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इन सबके साथ बड़ी सिस्टम होता है। इनका बड़ी कौन है, वो किस जाति का है, इस चीज़ को वो कभी महत्व नहीं देते हैं। ये सब एक भारतीय के रूप में, एक टीम के रूप में यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। Of the Border Security Force. जैसलमेर जो थार मरुस्थल में स्थित है, वहां ऊंटों की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अद्भुत और बेहतरीन लम्हा हर किसी को ऐसे ऐतिहासिक क्षणों का इंतजार होता है। जो यहां पर मौजूद हैं उनके जहन में ये यादें लंबे समय तक बनी रहेंगी, और जो दूरदर्शन के माध्यम से अपने अपने घरों में देख रहे हैं उनके लिए भी ये अद्भुत लम्हा है। टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
आप देखें कि इनकी सोच बड़ी साफ है कि अगर हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो हम आगे अपने सारे काम ठीक कर पाएंगे, हमारे देश समृद्ध होगा। और निश्चित रूप से सीमाओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, बिकॉज भारत बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देश है, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं, अगर कोई हमारे से कोई किसी तरह से कोई ये सोचता है कि वो हमारे इसमें व्यवधान डाल सकता है तो उसको हम डील करने के लिए बहुत सक्षम हैं और बहुत तैयार हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप मजबूत है, ज़बरदस्त लीडरशिप है। आप देखिए जो मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जो क्रांति आई है, जैसे स्मार्ट फेंसिंग का कॉन्सेप्ट एक आया है जिसमें स्मार्ट फेंसिंग लग रही है, टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे टर्म्स में जब मैं सोचता हूँ बीएसएफ को, पूरे दायरे को जब मैं देखता हूँ, तो पूरी बीएसएफ में हमारी जितनी भी सीमा जिसको हम गार्ड करते हैं लगभग 6,500 किलोमीटर बॉर्डर को, तो उसमें हम कभी भी एक दिन भी, एक मिनट भी, एक सेकंड भी हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो हम हमेशा वहाँ पे हैं और हमेशा रहने के लिए कई चीज़ें हैं, मैन पावर के अलावा कई चीज़ें हैं जिसमें कि जो जब तक कि सरकार के अंदर वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग में वो चीज़ नहीं आएगी, और डिसीजन मेकिंग हमेशा टॉप से आती है। अगर गवर्नमेंट का सोच ये है कि बॉर्डर स्ट्रांग होंगे तो बॉर्डर स्ट्रांग होंगे, और वो आपके सामने विजिबल है। अभी जिस तरीके से जो फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग हुई है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें हम बॉर्डर की पॉपुलेशन को हमने अपने साथ मिला के हम काम कर रहे हैं। जो संवेदनशीलता हमारे इसमें सरकार ने दिखाई है, सरकार की आई है, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पलरी। भारत सरकार इसमें वाकई बहुत संवेदनशील है इस मामले को लेकर के, कि जवानों के जीवन को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो 24 घंटे आपकी देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके परिवारों के लिए हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने परिवारों के लिए भी वही व्यवस्थाएँ, जैसे कि उनको तमाम लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये सारी कहानी हमने आपको बताई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। वाकई जब हम इन सीमाओं के दर्शन करते हैं तो हमें पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर दिखता है। हम जब इन जवानों से मिलते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि कौन किस प्रांत से है, किस भाषा को बोलने वाला था, क्योंकि हमें सब कोई, हर कोई यहाँ पर मातृभाषा हिंदी में बोलता हुआ मिलता है। हमने यहाँ पर देखा है किस तरीके से यहाँ पर कोई जाति का भेद नहीं है, धर्म का भेद नहीं है, भाषा का भेद नहीं है, क्षेत्र का भेद नहीं है। अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति किसी धर्म में आबद्ध होता हुआ दिखता है मुझे, तो वो भारतीय दिखता है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में हमने जिक्र किया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। लगातार आपको और कई मंत्रों के बारे में बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन इस कार्यक्रम में भारत पाकिस्तान के सीमा से फिलहाल मुझे मेरी टीम के साथ कैमरामैन उत्तम और सहयोगी कमलेश के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।